दोस्तों सब्सक्राइब करें YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन जिससे आप पा सके मेडिसिन अपडेट सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दवा लैक्टुलोज के बारे में, जो एक नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर है। यह जेनरिक नेम और ब्रांड नेम दोनों से मार्केट में अवेलेबल है। ये दूध में अवेलेबल लैक्टोज नाम के शुगर से बनता है, और जो मार्केट में अवेलेबल इसका ब्रांड्स है डुफालेक, जो सबसे लोकप्रिय है, जिसे सभी जानते हैं और जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा ऑस्मोलेक्स, एवोलेक्स, लेसीलॉक, एविक्ट और लैक्सोपेग, इसके अलावा भी खूब सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। ये ओरल और रेक्टल दोनों सॉल्यूशन में अवेलेबल है। इसके यूज़ की अगर बात करते हैं तो इसका प्रयोग कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। लैक्टुलोज सभी उम्र के पेशेंट को दिया जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को अफीम खाने के कारण या ओपियोइड एनाल्जेसिक दर्द की दवा लेने के कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए भी लैक्टुलोज का प्रयोग किया जा सकता है। और जब पाइल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है उसके दौरान स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए भी लैक्टुलोज का प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा अगर ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए, जिसे कम करने के लिए लैक्टुलोज काम में लिया जाता है। साथ ही लीवर डिजीज में लैक्टुलोज का काम लिया जाता है। और दोस्तों इसके डोज की बात करते हैं तो एडल्ट में कॉन्स्टिपेशन के लिए इसके डोज 15 से 30 ml होती है पर डे रात को सोते समय पानी के साथ आप इसे लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ाकर 60 ml तक की जा सकती है। और बच्चों में इसको 2 से 5 ml छोटे बच्चों में और 5 से 15 ml बड़े बच्चों में दी जाती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ है फ्रेंड्स, जैसे डायरिया, दस्त लगना, वोमिटिंग, उल्टी होना, मसल्स क्राम्प्ड होना, पेट में मरोड़े आना, और हार्ट बीट का बढ़ जाना, और मूड में कुछ चेंजेस होना, पूरे शरीर में खुजली होना। यदि ऐसे कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो आप तुरंत ही दवा का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। और इसकी वार्निंग के लिए बात करें अगर, तो इसकी वार्निंग में सिर्फ यही बात है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे लैक्टुलोज नहीं लेना चाहिए, या कोई लैक्टुलोज से पहले से एलर्जिक है। और जब भी कोई मेडिसिन आप डॉक्टर से लिखवाएं तो अपने जो पुरानी दवाइयाँ चल रही है, जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर ज़रूर बताएं। और दोस्तों अब बात करते हैं, क्या प्रेग्नेंट वुमेन इसे ले सकती है या लैक्टेशन जो मदर है इसे ले सकती है? अगर प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेशन मदर है तो डायरेक्ट खुद से खरीद के दवा नहीं लें, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, सिर्फ डॉक्टर की दवा प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, और डॉक्टर सजेस्ट करें तो ही ये दवा आप कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ लें। अब बात करते हैं इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, कब ये अपना कार्य करना शुरू करता है। लैक्टुलोज जब आप लेते हैं उसके बाद में 8 से लगाकर 48 घंटे तक में अपना कार्य शुरू करता है, इसलिए सामान्य तेज को रात को दी जाती है, जैसे सवेरे तक आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाए, कब से निवारण मिल जाए। दोस्तों ये लैक्टुलोज के बारे में वीडियो था जो आज मैंने आपको बताया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप थे मोहित दादीज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। नमस्ते।